हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ऋषमा कक्कड़ चीफ डेंटिस्ट एंड इम्प्लैंटोलॉजिस्ट एट सुमेरू डेंटल क्लिनिक फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे ओरल हेल्थ फॉर किड्स फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपने बच्चों के साथ जरूर देखें आई विल फोकस मोर ऑन किड्स कि वो क्या करते हैं क्या करना चाहिए एंड कई बार पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि डॉक्टर uh, हम लोग अपने बच्चे को बोलते हैं वो लोग ये नहीं करते हैं एंड कई बार किड्स को ये होता है कि बच्चे uh, को ये होता है कि मम्मा बोलती है पर हमको ये नहीं करना है सो देर शुड बी अ कोलेब्रेशन बिटवीन बोथ आप पेरेंट्स हो के और किड्स हो के उनका ये जो पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए साथ में मिलके करना है कोई भी इसमें uh, जो है वो टेंटर्म्स नहीं हो ये आप डेफिनेटली चाहते हो सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो अपने किड्स के साथ देखें तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ पेरेंट पहले आपको क्या करना चाहिए uh, तो मैं आपको एक पहले नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दूँ कि बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्रशिंग कि बच्चे ब्रशिंग नहीं करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों नहीं करते उसको आपको ये समझाने का एक तरीका होता है एंड आपको एक वाई क्लियर करना है कि वाई यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर मिल्क टीथ पेरेंट्स को ये होता है ये मिल्क टीथ है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होगा थोड़े बहुत सड़ गए होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है बट नो योर बेबी टीथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेबी टीथ को मेंटेन करोगे तो आपको आगे जाके परमानेंट टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा uh, बच्चों को ये पहले पता होना चाहिए यू हैव टू मेक इट अ फन किड्स तो क्या आपको पता है कि आपके मुँह में कितने दाँत है कितने मिल्क टीथ होते हैं क्या आपको पता है अगर नहीं पता है तो आप अपने मिरर में देखिए और काउंट करिए आपके परमानेंट सॉरी प्राइमरी टीथ कितने हैं या फिर मिल्क टूथ कितने हैं आपके मिल्क टूथ ट्वेंटी होते हैं और परमानेंट टीथ पता है कितने होते हैं परमानेंट टीथ जो आपके पेरेंट्स के या फिर आपके टीचर्स के या फिर कोई भी आइडल्ट के कितने होते हैं थर्टी टू टीथ तो अगर आ, आप ये पहले सेट ऑफ टीथ जो कि ट्वेंटी टीथ आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो आपकी परमानेंट टीथ बहुत अच्छे से आएंगे एंड एवरी वन वंस अ स्पार्कलिंग व्हाइट टीथ अच्छे टीथ हेल्दी टीथ राइट सो आपको अभी से एक हेल्दी हैबिट मेंटेन करनी है आपको ब्रशिंग रेगुलरली करना है यू हैव टू ब्रश टू टाइम्स डेली क्यों क्योंकि आप दिन भर सब खाते हैं तो आपके दांतों पर कुछ भी चिपका रहेगा आपके दांतों पर अगर स्टिक रहेगा तो आपको कैविटीज डेवलप हो सकती है एंड डेफिनेटली नोबडी वांट्स कैविटीज नोबडी वांट डेंटल प्रॉब्लम्स ओके सो पहले तो यू हैव टू आप फॉर अ हेल्दी स्माइल और हेल्दी टीथ यू हैव टू ब्रश टू टाइम्स डेली एंड मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ वाई वी नीड टीथ एनी वन नोज वी नीड टीथ फॉर ईटिंग राइट वी नीड टीथ फॉर स्पीकिंग वी नीड टीथ टू लुक गुड तो अभी ये तीन चीज़ आपको अच्छे से चाहिए देन यू हैव टू मेंटेन योर टीथ आप क्या इमेजिन कर सकते हो क्या आप अपना फेवरेट फूड एंजॉय कर सकते हो विदाउट विदाउट योर टीथ नो आप इमेजिन कर सकते हो क्या आप एप्पल खा सकते हो विदाउट टीथ नो यू कैन यू ईट हैम बर्गर्स कैन यू ईट बर्गर्स सैंडविचेज पिज्ज़ा नो यू कैनॉट ईट विदाउट योर टीथ So, अगर आपको अपना फेवरेट फूड एंजॉय करना है तो आपको टीथ को मेंटेन करना है अगर आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन से अच्छे से अच्छी स्पीच चाहिए तो यू नीड अ टीथ क्या आपको पता है आपके जो टीचर्स है जब आप नर्सरी जूनियर में जब हो, तो वो क्लासेस में आपको टीचर्स आपकी साउंड सिखाते हैं साउंड ऑफ ए बी सी तो ये सब साउंड्स आप क्लियरली तभी बोल पाते हो जब आपके टीथ होंगे किसी के अगर आगे के दांत टूट जाए निकल जाए तो आप देखना उसकी स्पीच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी आपसे तो आपको डेफिनेटली एक इफेक्टिव स्पीक करना है तो आपको टीथ अच्छे से चाहिए फिर अगर आपके दांत आगे के सड़े होंगे आगे के टूट गए होंगे दांत आगे के दांत अच्छे नहीं होंगे तो क्या आप अच्छे दिखोगे आपकी स्माइल अच्छी दिखेगी आपकी सेल्फ़ीज़ अच्छी आएगी नहीं सो so, आपके टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीथ ये सब चीज़ों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही और परमानेंट टीथ आने के लिए उसकी जगह पे अच्छे से आने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो यू हैव टू मेंटेन योर टीथ अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है प्रॉब्लम्स में आपको टूथ पेन आ सकता है कैविटीज़ हो सकती है आपकी गम्स से ब्लीडिंग आ सकती है आपके दांतों पे स्टेन्स आ सकते हैं आपके मुंह में से स्मेल आ सकती है सो so, ये सब चीज़ डेफिनेटली यू डोंट वांट, सो आप अगर अच्छे से दो टाइम ब्रशिंग करेंगे उसको इफ़ेक्टिवली ब्रश करेंगे आपके मम्मा पापा को आप कोऑपरेट करोगे तो आपके दाँतों में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी uh, कई बार काफ़ी पेशेंट्स के दांतों में बच्चों में भी हम लोग स्टेन्स देखते हैं ये स्टेन्स बहुत गंदे दिखते हैं जब आप स्माइल करते हो फिर कई बच्चों के मुंह में से भी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे के मुंह में से बहुत स्मेल आती है तो यू वांट के आपके फ्रेंड्स आपके से दूर भाग जाए नो no. आपके फ्रेंड्स दूर भाग जाएंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा सो यू हैव टू ब्रश इफेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको दांतों में कैविटीज होगी तो खाना फंस जाएगा आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम्स और केक्स और ये सब आपको एन्जॉय करना है तो आपके दातों में कैविटीज होगा तो सेंसिटिविटी होगी सेंसिटिविटी अगर होगी तो आप क्या करोगे आइसक्रीम को अवॉइड करोगे सो वी डोंट वांट कि आप अपना फेवरेट फूड अवॉइड करो वी वांट कि आप इफेक्टिवली खाओ नहीं तो क्या होगा आपके सामने कुछ भी पड़ा होगा और उसको आप शोपीस की तरह देखोगे और आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाओगे सो so अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो डेफिनेटली यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्ट योर डेंटिस्ट ओके यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर पेरेंट्स अगर आप पेरेंट्स को बोलोगे तो पेरेंट्स आपको डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे अगर आपको कोई भी चीज़ खाने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको दांतों में फंस रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको है हल्का हल्का पेन हो रहा है तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना है ताकि इनिशियल स्टेज पर ही वो आपको डेंटिस्ट को दिखाएंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लुकिंग एट द पेरेंट परस्पेक्टिव मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप भले उनको खुद ब्रश करने दें उनको मोटिवेट करें उसके बाद आप एक बार आप भी ब्रश करें एंड ब्रशिंग को जैसे मैंने बताया फन बना दें आप उसको नहाने के टाइम एक बार ब्रश करवा दें एक रूटीन बना दो कि नहाने के टाइम जैसे नहाना इज़ अ पार्ट तो वो ब्रशिंग नहाते नहाते ही करवा दीजिए या फिर उठ के सीधा करवाए कई बार कोई बच्चा सीधा उठ के ब्रश नहीं करता है तो उसको आप फोर्स मत करें थोड़ी देर उसको फ्रेश होने दें आप नहाने के टाइम उसको करवा सकते हो सो बट मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको कुछ एज तक करवाओ ताकि अगर दांत में कुछ भी प्रॉब्लम है कैबिटीज़ है तो आप उसको नोटिस कर सको और टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट करवा सको अगर आप कैबिटीज़ को अवॉइड करोगे तो वो टूथ पेन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एज यू एवरी वन नोज कि टूथ पेन इज़ वर्स्ट कोई भी नॉर्मल पेन अगर बॉडी में है तो वो एक बार के लिए बेरेबल हो जाता है बट टूथ पेन बच्चे को बहुत परेशान करता है उसको स्टडीज़ पे फोकस नहीं करने देगा ना ही वो अच्छे से खाने देगा ना ही वो सोने देगा रात रात को वो अगर आपने सुना है तो रात रात में ये बहुत पेन करता है सो so, डेफिनेटली आप ब्रशिंग करके पहले तो यही देखिए कि कैविटीज़ ना हो अगर कैविटीज़ है तो उसको टाइम पर ट्रीट करवा दे सो so, फ्रेंड्स आज हम ये जानेंगे कि आपकी दांतों में सारी प्रॉब्लम्स ना हो आपके टूथ सैड ना हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू ब्रश टू टाइम्स डेली विद द सॉफ्ट ब्रिसल टूथ ब्रश आप किड्स हैं तो छोटे हेड वाला ब्रश यूज़ करिए आप बिल्कुल भी टेंटम नहीं करें कि मुझे बड़ा ब्रश करना है अभी मैं बड़ा हो गया हूँ नहीं आपको छोटे हेड वाला ब्रश यूज़ करना है ताकि सारी सर्फेस पर आपका ब्रश पहुँच सके पॉइंट नंबर टू कि आप थोड़ा सा ही टूथपेस्ट लें आप टूथपेस्ट को वेस्ट नहीं करें अगर आप ज़्यादा टूथपेस्ट लोगे तो ज़्यादा क्लीन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको एक पी साइज़ जितना ग्रीन पी होता है ना उतना ही ग्रीन पी साइज जितना ही आपको टूथपेस्ट लेना है आपके ब्रश पे और उसको अच्छे से सारे सर्फेसिस पर रब करके अच्छे से क्लीन करना है आपको सिर्फ बाहर बाहर से ब्रश नहीं करना है अंदर की सर्फेस आगे पीछे सब सारी सर्फेस पे कवर अप करके ब्रश करना है आप अपने पेरेंट्स का हेल्प डेफिनेटली ले ताकि आप कुछ सर्फेस मिस ना कर जाओ और आपको कैविटीज ना हो जाए पॉइंट नंबर थ्री कि आप अच्छे से गार्गल करें टूथपेस्ट को खाना नहीं है टूथपेस्ट को स्पिट कर देना है आप अच्छे से गार्गल करोगे तो आपके दांतों पे कुछ भी चिपका होगा वो आपके गार्गल में निकल जाएगा और पेट में नहीं जाएगा आपको हार्मफुल बैक्टीरिया पेट में नहीं डालना है उसको स्पिट आउट करना है उसके बाद अगर आप थोड़े से बढ़ बड़े, बड़े हो जाओ तो आपके दो दांतों के बीच में अगर खाना फंस रहा है तो आपको फ्लॉसिंग करना चाहिए फ्लॉसिंग एक बहुत छोटा सा थ्रेड जैसा होता है और वो हैंडल के साथ आता है ताकि दो दांतों के बीच में कुछ भी फंस जाए तो आप उससे निकालें आप कोई भी टूथपेक या कोई भी शार्प चीज़ यूज़ नहीं करें उसके बाद आप बच्चों का माउथवॉश यूज़ करें इफ़ पॉसिबल ये डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए आजकल बच्चों के माउथवॉश काफ़ी इजीली मिल जाते हैं एंड इट हेल्प्स कि वो आपके गम्स को और दांत को हेल्दी रखें अगर आपको बहुत जोर से ब्रश करने की हैबिट है तो डेफ़िनेटली जोर से नहीं करें आप एकदम सॉफ्टली ब्रश करें नहीं तो आपके गम्स छिल जाएंगे और आपको ब्लीडिंग होगी सो यू हैव टू ब्रश वेरी इफ़ेक्टिवली उसके अलावा आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके दो बार साल में चेकअप करवाना चाहिए आजकल सारी स्कूल्स में ये कंपलसरी हो गया है ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स हैज़ मेरा हैबिट कि आप डेंटिस्ट के पास दो बार जाए और आपने दांतों की चेकअप करवाए चेकअप करने से आपके डेंटिस्ट अर्ली बेसिस पे आपकी जो कैविटीज़ या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो डिटेक्ट कर लेंगे और आपको आगे पेन में कन्वर्ट नहीं होने देंगे और आपकी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी अभी से आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन करोगे तो आपके परमानेंट ठित भी अच्छे रहेंगे डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि अभी के दांत में बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम है नए दांत तो आने ही वाले हैं बट अगर अभी से मुंह में वो हार्मफुल बैक्टीरियाज घर कर लेंगे तो आपके परमानेंट टूथ में भी वैसे ही प्रॉब्लम्स आएगा जैसे अभी जो मिल्क टूथ में है सो आपके ओरल हाइजीन अभी से ही आपको मेनटेन करनी है ताकि आप अपनी स्पार्कलिंग स्माइल ले पाओ जब आप बड़े हो जाओ सो so, फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एक लास्ट टिप मैं देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए कि आप उनको स्माइल एफर्मेशंस दें स्माइल एफर्मेशंस मींस यू हैव टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ देम दैट माई स्माइल इज़ वेरी नाइस माई स्माइल इज़ वेरी गुड आई हैव अ स्पार्कलिंग टीथ आई हैव अ गुड टीथ आई एम कैविटी फ्री सो ये सब आप उसको डेंटल अफर्मेशंस दोगे तो वो बच्चा डेफिनेटली अपनी ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेन्टेन करेगा बिल्कुल भी टेंटम्स नहीं करेगा एंड वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूटीन बन जाएगा आपके बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो आप उसको कुछ भी बहला फुसला के खिलाते हो ना वैसे ही आपको उनको ये ब्रशिंग की हैबिट अभी से डालनी है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ओरल हेल्थ इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ एंड आप उनको अच्छे से ब्रशिंग करवाएं एंड हैव अ हैप्पी स्माइल एंड हेल्दी स्माइल उसके अलावा एक और पॉइंट है कि आप उनको हेल्दी डाइट दें उनको चॉकलेट्स शुगरी फूड्स से थोड़ा सा दूर रखें अगर वो खा रहे हैं तो उनको हेल्प करो कि आप उनको ब्रशिंग करवाओ तुरंत ही या फिर थोड़ी सी देर के बाद एटलीस्ट एक हम लोग मैं आपको टिप दूंगी कि आप एक मिरर टेस्ट उनको करवाओ एक उनको चॉकलेट दो और चॉकलेट खाने के बाद उनको बोलो कि आप अपने मिरर में ऑब्ज़र्व करो मिरर में अगर वो ऑब्ज़र्व करेंगे तो सारे दांतों के ऊपर चॉकलेट चिपका होगा दूसरा पॉइंट उसके बाद उसको उनको एक एप्पल दो या फिर कोई भी वेजिटेबल दो या फिर कोई भी सैलड दो वो खाने के बाद उनको बोलो कि अभी आप जाके मिरर में देखो तो उनके दांत अगर आपने उनको एप्पल दिया होगा तो एप्पल खाने के बाद आपके दांतों पे कुछ भी नहीं चिपका होगा बल्कि वो क्लीन दिखेंगे सो लाइक दिस यू एजुकेट देम कि चॉकलेट टेस्ट से और सैलड टेस्ट से क्या होता है ये दोनों टेस्ट में उनको डेफिनेटली खुद ही फ़र्क दिखेगा तो क्या करेंगे बच्चे कि एक बार चॉकलेट अगर खा भी लिया ना तो उसके बाद वो तुरंत गारगर कर देंगे या फिर कुछ भी फ्रूट खा लेंगे जिससे उनके दांतों पे कुछ भी चिपका होगा तो वो क्लियर आउट हो जाएगा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है तो उसके अलावा एक और उनको एक एक्टिविटी एक करवाओ एक ब्रशिंग चार्ट उनको बना के दो ब्रशिंग चार्ट में आप उनको एक कॉलम्स बना के दो मंडे ट्यूसडे वेनजडे सेवन डेज अ वीक लिखो और मॉर्निंग और इवनिंग के दो उनको कॉलम्स बना दो तो मॉर्निंग uh, और इवनिंग में जब भी वो ब्रश करे तो आप उनको टिक मार्क करवाओ खुद ही करवाओ आप नहीं करो वो ब्रशिंग चैट आपके बाथरूम में आपके रूम में कहीं पर भी एक स्टिक कर दो आप और वो बच्चे को एक एक्टिविटी बना दो कि चलो आप अपने आपने अभी ब्रशिंग अच्छे से कर लिया है तो आप टिक मार्क कर दो फिर अगेन नाइट में उनको ब्रशिंग करवाओ और नाइट में टिक मार्क करवाओ तो दो टाइम ब्रशिंग का जो रूटीन है वो उनको ब्रश करके खुद टिक मार्क करवाओ एक वीक अगर आप ये फॉलो करोगे तो फिर वो उनकी हैबिट बन जाएगी और फिर वो लाइफ टाइम की हैबिट बन जाएगी वी वॉन्ट दिस हैबिट टू बी कैरीड लाइफ टाइम तो ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवा के एक्चुअली यू कैन कल्केट अ वेरी गुड हैबिट इन योर चाइल्ड सो हैव अ हैप्पी स्माइल थैंक यू